शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगी धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। पीड़ा है वो बताइए कि क्या समस्या आ रही है। हाँ सर, हम लोग है ना अतिथि शिक्षक हैं, हमें वेतन भी बहुत कम मिल रहा है और 3-3 महीने में मिलता है। हमारी बहुत समस्या है, कैसे घर बार चलाएंगे। और एक मैं नहीं, मेरे साथ और भी विधवा महिलाएं, जैसे मेरे भी हस्बैंड नहीं, तो कैसा घर चलेगा। और भी मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, जो मजबूरी में घर चला रहे हैं और तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बताइए हमारा क्या होगा, क्या हमें भी एक अच्छे भाई की तरह जहर करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भी यही करना पड़ेगा। इसके लिए शासन कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है आखिर, बताइए। आज हम लोग इतने लायक होते हुए भी हमें क्यों तनख्वाह दी जा रही है, समान कार्य पे समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, शासन क्यों सोया हुआ है अभी तक हमारे लिए, ये बताइए ना आप लोग। बताइए क्या जिम्मेदारी है शासन की हमारे लिए, क्या मांग कर रही है। हमारी यही मांग है कि हमें हमारे वर्क के हिसाब से नियमित किया जाए और हमारा वेतन बढ़ा जाए, जिससे हमारा थोड़ा स्थायित्व रहे, हमारे भाइयों बहनों का भी। क्या नाम? मेरा नाम है संगीता वर्मा और मैं बोल रहा हूँ बुजुर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। सर, हम लोग खंडवा जिले के समस्त अतिथि शिक्षक गण हैं, जो पिछले 14-15 वर्षों से स्कूली शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं और एक न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमें कलेक्टर रेट से भी कम की मानदेय हमें प्राप्त होता है। 5,000, 7,000 और 9,000 अधिकतम मानदेय प्राप्त होता है और हमारा आने वाले समय में पद स्थायित्व भी नहीं है। तो आज का ये जो ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को दिया है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम अतिथि शिक्षक जो पिछले 14-15 वर्षों से स्कूली शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, हमारे जो लंबित मांग है नियमितीकरण की, तो विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर हम समस्त अतिथि शिक्षकों को PS में पढ़ाने वाले जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक बनाया जाए, MS में पढ़ाने वालों को माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक अतिथि हैं उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए। प्रमुख मांग ये है हमारी। और साथ ही चूँकि वेतन हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, तो 62 वर्ष की सेवा तक पद स्थायित्व किया जाए और वेतन मान को भी दुगना किया जाए, ये प्रमुख दो मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगामी क्या कार्रवाई करेंगे सर? अभी तो हमें प्रदेश कार्यकारिणी से जो आह्वान किया गया था कि जिला मुख्यालय पर हम लोगों को ज्ञापन देना है, जो आज हमने सौंप दिया है। और जैसा कि मैंने ज्ञापन पढ़ा था, उसमें भी प्रदेश कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि 10 दिन के अंदर यदि हमारी प्रमुख मांगों का निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश कमेटी जो भी आह्वान करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम समस्त अतिथि शिक्षक मिलकर उस पूरे निर्णय के लिए बाध्य हैं और हम जो भी निर्णय होगा उसके अंतर्गत हम कार्य करेंगे। जी सर, मेरा नाम संजय चौहान है। स्लोगन सर, स्लोगन ले लेते एक मिनट। स्लोगन अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। हाँ हाँ, वो ले लेंगे। अतिथि शिक्षक संघ।